छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल का अध्यक्ष बनने के बाद सफी अहमद पहली बार कोरबा पहुंचे। स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पंचवटी विश्राम गृह में वे पत्रकारों से रूबरू हुए। चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि श्रमिकों के हित में उनके द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। श्रमिकों के मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान कोरबा में बने ईएसआईसी अस्पताल को जल्द शुरू कराने की बात सामने आई। इस संबंध में उन्होंने कहा कि श्रम मंत्री से बात कर अस्पताल को जल्द शुरू करवाने का प्रयास किया जाएगा। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष सफी अहमद कोरबा पहुंचे। पंचवटी विश्राम गृह में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि श्रमिकों के हित में कई योजनाएं बनाई गई हैं, जिसका लाभ मजदूर वर्ग को दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 18 वर्षों के दौरान प्रदेश में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या करीब 3 लाख थी, लेकिन 2.5 साल के दौरान यह संख्या बढ़कर करीब 4.5 लाख हो गई है। श्रम कल्याण मंडल की मेधावी छात्रवृत्ति योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के छात्रों को प्रतिवर्ष 3,000, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 6,000, स्नातक कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को 15,000 और पीजी के छात्रों को प्रतिवर्ष 30,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे में श्रमिकों के बच्चे जिनका चयन नीट, आईटी, आईआईटी सहित अन्य संस्थानों में होता है, तो उन्हें प्रतिवर्ष 50,000 रुपयों तक की छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष देने का प्रावधान है। इसमें मेघावी छात्रवृत्ति योजना एक महत्वपूर्ण है कि जैसे उस योजना के अंतर्गत और छात्रवृत्ति जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं श्रमिक के बच्चे, उनके लिए योजना बनाई गई है कि पहले से लेकर 8वीं तक के बच्चों को 3,000 रुपये छात्रवृत्ति और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 6,000, और जो कॉलेज कर रहे हैं, जो छात्र छात्राएं जो बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं, तो उन बच्चों को हम 15,000 रुपया प्रति वर्ष दे रहे हैं, और जो पीजी कर रहे हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को हम 30,000 रुपया प्रति वर्ष दे रहे हैं। जो श्रमिक के बच्चे यदि नीट, आईटी, आईआईटी में सिलेक्शन शासकीय सीटों में अगर किसी का होता है, तो प्रति वर्ष अध्ययन प्राप्त करते तक 50,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। उसी तरीके से मेघावी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं जो 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, तो उनको 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जा रही है। प्रेस के दौरान श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि उनके द्वारा सभी औद्योगिक संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने यहाँ काम कर रहे सभी श्रमिकों का पंजीयन मंडल में कराए, ताकि उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। कोरबा में जिस तरह से ईएसआईसी का अस्पताल बनने के बाद भी उसकी शुरुआत नहीं हो सकी है, इस संबंध में उन्होंने श्रम मंत्री से चर्चा कर कोरबा के इस बहुप्रशिक्षित अस्पताल को जल्द से जल्द शुरू करवाने की बात कही। और संस्थानों से भी आग्रह किया गया है कि वो सभी श्रमिकों का पंजीयन श्रम कल्याण मंडल में कराए, क्योंकि संस्थानों की जिम्मेदारी है कि ऑनलाइन उनका पंजीयन कराना। यदि वो पंजीयन कराएंगे तो निश्चित रूप से श्रम कल्याण मंडल में जितनी योजनाएं संचालित हैं उनका लाभ वो मिल पाएगा। यदि पंजीयन नहीं है तो हम चाह कर भी उन योजनाओं का लाभ उन श्रमिकों को नहीं दे सकते। ईएसआईसी का हॉस्पिटल की जो एक बात आई है कि ईएसआईसी का हॉस्पिटल बिल्डिंग बना हुआ है और उद्घाटन अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण यहाँ के श्रमिकों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस दिशा में भी माननीय शिव डहरिया जी जो इस विभाग के मंत्री हैं, उनसे भी मैं सीधे बात करूंगा और उनसे आग्रह भी करूंगा कि जल्द से जल्द ईएसआईसी हॉस्पिटल का यहाँ शुभारंभ कराया जाए। श्रम कल्याण मंडल में फर्जी श्रमिकों के नाम जोड़े जाने को लेकर भी मंडल के अध्यक्ष ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है और आवश्यक पड़ने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए अविनाश प्रसाद की रिपोर्ट।